Good morning everyone, my name is Ankit Sinha from Department of Civil Engineering and welcome to the course on Hydraulics Engineering. In this particular subject, in previous classes we have discussed quite a few topics which are dimensional analysis and models, turbulent flow and various type of flow, open channel flow. We have also given brief introduction about GVF, RVF and other topics. In these lecture series we are going to discuss about three topics which are hydrology, groundwater and canal hydraulics. So let me give you a brief introduction about all these topics. This is a part of a major subject called engineering hydrology. The syllabus included for you is are the chapters from this particular subject only. These two chapters come from the subject called water resources. Although the class notes are more than sufficient for you, the book you can refer for this particular subject is Engineering Hydrology, written by Professor K. Subramanya. And water resources can be referred by the book written by S. K. Garg. One more request which I received is to deliver the lectures in Hindi, so it will be more easy to understand by the students of this class, right? So from this point forward we are going to discuss in Hindi only. So let's begin with hydrology. So basically hum log yahan pe start kar rahe hain hydrology se. To class ka structure basically kya hoga, aapko jo notes note karne hain, main class aap video pause karke note kar sakte hain. जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे, और ये जो नोट्स मेरे जो है मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में किसी हिसाब से गूगल ड्राइव या फिर पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा. तो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट, स्टार्ट विद हाइड्रोलॉजी, राइट. सो व्हाट इज़ हाइड्रोलॉजी, मतलब हाइड्रोलॉजी है क्या. तो बेसिकली नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल रहा है, हाइड्रोलॉजी दो तरह के वर्ड से आपको मिलकर बन रहा है. दो वर्ड क्या है, एक हाइड्रो दूसरा लोगस, ग्रीक वर्ड है आपका ये दोनों. हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, वाटर, और लोगस क्या होता है आपका, साइंस या फिर स्टडी. इन दोनों को मिलाकर हाइड्रोलॉजी क्या बन गया, हाइड्रोलॉजी द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वाटर. साइंस क्या हो गया यहाँ पे, बेसिकली साइंस का मतलब यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स से नहीं है, यहाँ पे आपको वाटर को लार्ज स्केल में इंटरप्रिटेशन करना है. लार्ज स्केल इंटरप्रिटेशन मतलब ग्लोबल इंटरप्रिटेशन है, या फिर यहाँ पे आपको पानी के मूवमेंट, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लार्ज स्केल में स्टडी करना है. तो एक चीज आपको काफी क्लियरली पता है, वाटर जो है आपका अर्थ पे क्रिएट नहीं होता है. तो वाटर is not formed on earth. Not formed का यहाँ पर मतलब होता है basically यहाँ पर significant amount में आप chemical process या फिर other process में water form होता है, लेकिन वहाँ पर जिस magnitude में हम लोग यहाँ पर deal कर रहे हैं वो magnitude यहाँ पर relevant नहीं होता है. तो जिस relevance के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो consider करते हैं water यहाँ पर form नहीं होता है. तो form नहीं होता तो पानी के बारे में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो पानी के basically हम पढ़ गए इसका चेंज ऑफ फॉर्म्स पढ़ते हैं हम लोग. वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या चेंज कर रहा है, आपका सॉलिड से वाटर जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में जा रहा है आपका, लिक्विड से आपका वाटर वेपर बन रहा है, वाटर वेपर से वापस सॉलिड बन रहा है, साथ में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भी जा रहा है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, पानी यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है और एक जगह से दूसरी जगह आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग फॉर्म में. तो हाइड्रोलॉजी में बेसिकली हम लोग यहाँ पे इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, पानी कहाँ से कैसे मूव कर रहा है, किस प्रोपोर्शन में मूव कर रहा है, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और किस फॉर्म में मूव कर रहा है. सॉलिड फॉर्म बेसिकली आपके पोलर आइस कैप्स हो गए या हिमालयन आइस कैप है या फिर हिली आइस कैप्स हो गए. लिक्विड फॉर्म आपका रेन के बारे में बात करिए. अगर आपका वेपर फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपका वाटर वेपर के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो
दूसरा एस्पेक्ट आता है हाइड्रोलॉजी में कि पानी है कहाँ पे। मूवमेंट की जब भी बात करते हैं तो पानी की लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो पानी आपके ग्राउंड के ऊपर हो सकता है, वाटर इज़ एबव द ग्राउंड। एबव द ग्राउंड के मतलब जब यहाँ पर रेन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जब आपका पानी रिवर में फ्लो कर रहा है तब एबव द ग्राउंड हुआ। बिलो द ग्राउंड के बारे में बात करेंगे जब जब आपका पानी ग्राउंड वाटर में ग्राउंड वाटर टेबल पे है। और जब एटमॉस्फेयर में जब पानी के होने की बात कर रहे हैं तब बेसिकली क्लाउड्स, मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर वेपर, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग लोकेशन पे हमारा वाटर प्रेजेंट हो रहा है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस हिसाब से मूवमेंट हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, उन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है उसको हम लोग हाइड्रोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अनदर स्टेटमेंट आता है कि यहाँ पे वाटर सोर्सेज जो आपके अवेलेबल हैं, वाटर सोर्सेज आपके क्या होंगे, पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गया, सी हो गया, इन सारे चीज़ों को आपको वाटर सोर्स में अंडर कंसिडर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे इनका डिप्लीशन और इनका रिप्लेनिशमेंट। इसका मतलब इनमें से पानी, ये जो आपका वाटर सोर्स है इनमें से पानी आउट कितना निकल रहा है और इसमें कितना इन हो रहा है, जो भी इसमें बचेगा वो आपका चेंज इन रिजर्वर कैपेसिटी या फिर चेंज इन स्टोरेज हो गया। इस टाइप की भी स्टडी हम लोग हाइड्रोलॉजी में करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ तक, अभी तक हम लोग देखा वो क्या हुआ, हाइड्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब तो बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है, क्या पढ़ना चाहते हैं, इसका एक रफ ओवरव्यू। तो अगेन हमने देखा हाइड्रोलॉजी क्या हुआ, हाइड्रोलॉजी इज द कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स कॉल्ड हाइड्रो एंड लोगस। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लोगस मीन्स स्टडी और द साइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हाइड्रोलॉजी क्या हो गया, हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलॉजी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, पानी कहाँ आकर करता है, उसमें क्या मूवमेंट है, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वाटर कहाँ पे है, एबव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड या फिर एटमॉस्फेयर में। एबव द ग्राउंड हुआ इसका मतलब रिवर वाटर, अब रिवर में पानी है, आपके स्ट्रीम्स में पानी हुआ। बिलो द ग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स या ग्राउंड टेबल के बारे में बात करेंगे। इन द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर्स के फॉर्म में या फिर क्लाउड के फॉर्म में हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड एस्पेक्ट हो गया हमारे वाटर रिसोर्सेज, इसका मतलब आपके पॉइंट पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, कोई भी आपके रिजर्वायर है जो कि स्टोरेज रिजर्वायर है उसमें से आपका कितना डिप्लीशन हो रहा है, मतलब कितना पानी निकलता है। पानी निकलने का आपका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, हो सकता है पानी आपका इवापोरेशन के थ्रू निकल रहा है, हो सकता है ह्यूमन कंजम्पशन के यूज़ के लिए निकल रहा है, हो सकता है इरीगेशन के लिए निकल जाए। और इनपुट क्या हुआ, हो सकता है आप किसी और डिफरेंट सोर्स से पानी इसमें वापस इनपुट कर रहे हैं, हो सकता है प्रेसिपिटेशन के थ्रू आ रहा है, और उसमें क्या स्टोरेज में चेंज आ गया वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो हाइड्रोलॉजी में इसी टाइप की स्टडी है और इन सारे एस्पेक्ट्स को लेते हुए अलग अलग चैप्टर्स हैं, इसके बारे में आप बेसिकली इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हाइड्रोलॉजी का देखेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग का पार्ट यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, बेसिकली आपने अभी तक जो चीज़ पढ़ी है और काफ़ी आपके नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें मिलती हैं वही आप यहाँ पे देखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे बेसिकली आता है सबमिटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो मतलब हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ के क्या क्या पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब क्या क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगेन हमें बताया यहाँ पे किसी भी कैचमेंट या वाटरशेड, तो कैचमेंट या वाटरशेड क्या हुआ, एक एरिया जहाँ पे इवापोरेशन हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन है, वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं एक उस पार्टिकुलर एरिया से रिलेटेड रिजर्वायर में। वो रिजर्वायर आपका पॉन्ड हो सकता है या फिर रिवर हो गया, इसको वाटरशेड भी कहते हैं या फिर कैचमेंट भी कहते हैं। वाटरशेड आपका यूएस इंग्लिश में कहते हैं, कैचमेंट आपका बेसिक ब्रिटेन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में जब भी बात होती है तो कैचमेंट कहते हैं, वाटरशेड हो गया आपका यूएस के इंग्लिश में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कैचमेंट में क्या क्या चेंजेस आ गए और क्या क्या चेंज के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो चेंज कैसे कैसे आ सकते हैं, इसमें क्या इनपुट आएगा, इनपुट कहाँ से आएगा, आपका रेनफॉल क्या हो रहा है उसके हिसाब से आपका जो होगा वो आपका रेनफॉल का इनपुट होगा। आपका रन ऑफ हो सकता है, मतलब उस कैचमेंट से कुछ पानी आपका बाहर भी जा सकता है, तो वो आपका रन ऑफ हो गया। और आप में अलग टाइप के उस कैचमेंट में लॉसेस भी होंगे, वो लॉसेस कैसे कैसे हो सकते हैं, लॉसेस आपके इवापोरेशन से हो सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन से हो सकते हैं। इवापोरेशन लॉस, सूरज की गर्मी के कारण आपका कुछ पानी इवापोरेट करेगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा, हो सकता है कोई आपका पॉन्ड है तो कुछ पानी ज़मीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके सीप करने के बाद ग्राउंड वाटर टेबल से मिल रहा होगा और कुछ पानी आप कंज्यूम कर रहे होंगे। तो इसके कारण आपके टोटल कैचमेंट सिस्टम में क्या क्या चेंज आ रहा है, काफ़ी डेल्टा चेंज इन स्टोरेज,
जो भी होगा वो हम लोग पता करना चाहेंगे। ये डेल्टा स्टोरेज आप जो है ओवर द ईयर पता करेंगे या फिर ओवर गिवन टाइम पीरियड पता कर सकते हैं। इसी टाइप के हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव अभी तक आपको क्लियर हुआ कि पढ़ते क्या है। एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ के क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं आपके पास, डैम, वियर, मतलब बेसिकली आपका जो रिजर्वायर हुआ, डैम एक तरह से रिजर्वायर हो गया, तो इसमें आपका कितना पानी स्टोर करेगा वो अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए, वियर में आपका कितना वाटर का फ्लो हो रहा है वो डिटरमाइन करने के लिए, इन सब चीज़ों के डिटरमिनेशन के लिए और हम लोग इस सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। सेकेंड एस्पेक्ट हो गया फ्लड फॉरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट। तो फ्लड फॉरकास्टिंग मतलब आपको पता है एक किसी कैचमेंट एरिया आ गया, इस कैचमेंट एरिया में एक रिवर आपका फ्लो कर रहा है, तो इस कैचमेंट एरिया में जितना रेनफॉल होगा वो सारा रेनफॉल कलेक्ट होके इस स्ट्रीम में या फिर इस ड्रेन में कलेक्ट हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है तो इस रिवर में कितना पानी का लेवल में चेंज होगा, वो पानी का लेवल का चेंज आपको फ्लड को इंडिकेट तो करेगा नहीं या नहीं करेगा, कर सकता है। अगर फ्लड की स्थिति हो रही है तो हम इसको कैसे मैनेज करें, आपको फ्लड के पानी को रीराउट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वियर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अगला एस्पेक्ट हो गया यहाँ पे पढ़ने का इरिगेशन। तो कितना पानी आपको अवेलेबल है ओवर द ईयर एनुअल रेनफॉल के थ्रू या फिर ग्राउंड वाटर के थ्रू, और कितना पानी आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा आपके इरिगेशन प्रैक्टिसेस में या फिर कैनाल के थ्रू आपको डिलीवर करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ों भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अनदर टॉपिक या फिर अनदर आपके एस्पेक्ट में जहाँ पे हेल्प आता है म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। द डेली यूज़ में अगर आपको पानी चाहिए, डेली यूज़ में पानी आपको बेसिकली रॉ वाटर सिस्टम से मिलता है, जो कि आपको म्यूनिसिपल कम्युनिटी क्या करती है, एक नेचुरल सोर्स से वाटर इनटेक करती है, इसको ट्रीट करती है, इस पानी को ट्रीटमेंट के बाद सप्लाई करती है हाउस होल्ड में। तो यहाँ पे जो इनका सोर्स हुआ, नेचुरल सोर्स हुआ, नेचुरल सोर्स हो सकता है आपका कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई रिवर हो, तो जैसे कि गंगा से हम लोग पानी विड्रॉ करते हैं, आपको वाटर ट्रीट करके हाउस होल्ड में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये नेचुरल सोर्स में आपके पानी का क्या स्थिति है, उन वाटर की क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं, उन सब चीज़ों को भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाइड्रो पावर जनरेशन, अगेन जब रिजर्वायर डैम के बारे में बात करें तो कितना पानी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, कितना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं गिवन वाटर रिजर्वायर के, वो भी हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल्स, अलग पानी के फ्लो में आपके पॉल्यूटेंट हैं कि नहीं, उनको पॉल्यूटेंट को कैसे मैनेज करना होगा, हो सकता है दूसरे रिवर का पानी आपको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ें हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल में देखेंगे। नेविगेशन के जब बारे में बात करेंगे तो वाटर नेविगेबल है कि नहीं है, रिसेंटली आपने सेतु भारतम प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, जहाँ पे आप इंडिया के जितने रिवर से उनको कनेक्ट करके नेविगेबल बनाने की बात कर रहे होते हैं। तो नेविगेशन, अगेन पानी सफिशिएंट होना चाहिए तब भी आप नेविगेट कर सकते हैं, उसमें पानी का फ्लो का डायरेक्शन, क्वांटिटी, सब डिस्चार्ज वगैरह हम लोग देखेंगे, वो सारे पार्ट आपके नेविगेशन में आ जाते हैं। लास्ट पार्ट हो गया आपका ड्रॉट मैनेजमेंट। तो आपको पता है इंडिया में मेजर इकोनॉमी आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड है, और एग्रीकल्चर के लिए नेचुरल वाटर या फिर मानसून पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो रेनफॉल का प्रोडक्शन या फिर रेनफॉल को मैनेजमेंट करना आपके लिए एसेंशियल हो जाता है कि एक गिवन एरिया में सफिशिएंट वाटर आप प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आपको उसी हिसाब से पानी किसी एक रिवर से दूसरे रिवर में रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपने साउथ इंडिया में दो तीन रिवर कनेक्टिंग रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी देखा होगा, वो सारे एस्पेक्ट्स आपके ड्राउट मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे यूजेस हो गए, एप्लीकेशंस हो गए बेसिकली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। पहला एप्लीकेशन हो गया हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डैम के आपके डिज़ाइन में, दूसरा फ्लड फॉरकास्टिंग, इरिगेशन, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में आपको नेचुरल रिसोर्सेज से आपको कितना वाटर मिल रहा है, हाइड्रो पावर जनरेशन कि आपको रिजर्वायर कितना है उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। पॉल्यूशन कंट्रोल, आपको रिवर राउट करना या नहीं करना, रिवर नेविगेट हो सकता है या नहीं, वो नेविगेशन में आ गया। और रिवर इंटरलिंकिंग, यहाँ पे आप ड्राउट को इस हिसाब से मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, वो आपका ड्राउट मैनेजमेंट आ गया। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं आपको हाइड्रोलॉजी के हैं, जो कि डील करेंगे हम लोग पार्टिकुलर सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद। तो कुछ डेटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये डेटा आपको माइंड में रखोगे तो आपको क्लियर कट आपको आइडिया रहता है कि क्या है पानी
उनके सिनेरियो करेंटली जिस स्केल पे हम लोग डील कर रहे हैं, अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स की हम लोग पार्टिकुलर रिलेटेड आप लोग सब्जेक्ट देखे होंगे, यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की तरह हम लोग पानी का फ्लो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पानी वेलोसिटी प्रोफाइल वगैरह पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे लार्ज स्केल फ्लो के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ डेटा है जो कि आपको सारे चीज़ों को आपस में एक रिलेट करने में हेल्प करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखने के लिए हो गया वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज, मतलब आपके पास कितने वर्ल्ड में किस हिसाब से पानी अवेलेबल है। तो टोटल फ्रेश वाटर यहाँ पे अवेलेबल किया गया 1 ये अमाउंट है, इसमें कुछ वाटर सेलाइन है, कुछ फ्रेश वाटर है, कुछ पानी ग्लेशियर्स में अवेलेबल है, कुछ पानी आपके ग्राउंड वाटर टेबल में अवेलेबल है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ 0.03% ऑफ टोटल वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज एंड कंजम्पशन, तो इतना जितना पानी अवेलेबल है उसका बस इतना ही पार्टिकुलर अमाउंट आपके कॉमन ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है, जो कि अमाउंट जो कि 4.5 मिलियन किलोमीटर क्यूब्स आते हैं। अगेन यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट मिलियन किलोमीटर क्यूब्स है, मतलब यूनिट काफ़ी लार्ज स्केल है, यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकेंड वगैरह जैसे छोटे यूनिट्स के बारे में हम लोग ज़्यादा डील नहीं करते हैं। ठीक है, इंडिया में पार्टिकुलर सिनेरियो क्या बन रहा है, एक दूसरा एस्पेक्ट आता है एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में रेनफॉल का एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना होता है, तो ये बताया जा रहा है एनुअल में 100, मतलब गिवन द एक गिवन पार्टिकुलर एरिया में आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है एक गिवन कैलेंडर ईयर में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास एक गिवन एरिया है लेट्स से ए, तो इस एरिया में आपको जो रेनफॉल या फिर इस एरिया में रेनफॉल के कारण जो वाटर मिलेगा उसका वॉल्यूम होगा ए इंटू 100 सेंटीमीटर, जो भी आपका वॉल्यूम का यूनिट्स होगा मीटर क्यूब जैसे भी यूनिट्स होंगे आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है रेनफॉल का, यहाँ कभी भी हम लोग डायरेक्ट वॉल्यूम में नहीं बात करते, हमेशा जो भी वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर देते हैं गिवन एरिया से, और जो है वो डायरेक्ट हाइट में बात करते हैं, हाइट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने में और काफ़ी रियलिस्टिक एजम्पशन लेने में काफ़ी आसानी होती है। मान लीजिए कोई दूसरा एरिया है जहाँ पे इसका टोटल एरिया इसका 10 times है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा अगर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा तो यहाँ पे जो टोटल रेन वॉल्यूम कलेक्ट हुआ वो 10 भी हो गया, लेकिन ये 10 भी 10 ए एरिया में टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एक दूसरे को आपस में रिलेट करने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जहाँ पे आप यूनिट्स को हाइट में डिपेंड मतलब मीटर के टर्म्स में लिखते हैं रेनफॉल को। यहाँ पे आप सारे यूनिट्स अभी हाइड्रोग्राफ वगैरह हम लोग देखेंगे, वहाँ पे सारे यूनिट्स हम लोग जनरली मीटर्स में ही रेनफॉल में देखेंगे, ताकि एक से दूसरे के रिस्पेक्ट में पुट करने में आसानी होती है। जनरली एरिया का टर्म से हम लोग नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया में रेनफॉल की क्या स्थिति है। इंडिया में देखा जा रहा है कि एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन है 119.4 सेंटीमीटर, और इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया आपको पता है, तो टोटल वॉल्यूम आप यहाँ से इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू आपका एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, जिसको हम लोग अभी पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट्स को आप देखते हुए आप उसी हिसाब से यूनिट में आंसर कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, इंडिया और वर्ल्ड एवरेज, इंडिया थोड़ा ही वर्ल्ड एवरेज ज़्यादा होता है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, तो ये अमाउंट मोर सफिशिएंट ज़्यादा नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर को सस्टेन करने के लिए, इसलिए हम लोग को मैनुअल हेल्प लेनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ कैनाल एंड अदर थिंग्स, जहाँ पे आप इरीगेशन को एड करते हैं। और भी इंडिया में आपके पास अलग अलग डेटा अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग अगर आप लोग स्नोफॉल वगैरह को कंसिडर करते हुए डेटा कंसिडर करेंगे, तो टोटल वाटर अवेलेबल हो जाता है इंडिया में 4000 किलोमीटर क्यूब। इसमें कुछ आपका इवेपोरेशन में जाता है, कुछ ग्राउंड फिल्ट्रेशन के में पानी लॉस होता है, तो नेट अवेलेबल वाटर आपका एनुअली मिलता है 150 किलोमीटर क्यूब। और एक चीज़ देखा जाए, वर्ल्ड वाटर का परसेंटेज इंडिया में आता है तो 0.025% ही है। तो ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन हो गया हाइड्रोलॉजी का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे इस सब्जेक्ट को आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो एक ओवरव्यू वापस हम लोग देख लेते हैं, इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा हमने। हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया, साइंस ऑफ वाटर, यहाँ पे हम लोग डील क्या करते हैं, पानी मूव कैसे कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह में, कहाँ मूवमेंट हो रही है, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी मैंने आपको हल्का हल्का आइडिया बताया होगा हम लोग प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन, इन सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने देखा, यहाँ पे वाटर फॉर्म नहीं होता अर्थ पे,
वाटर हमेशा फॉर्म चेंज होता है और लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। अगला एस्पेक्ट जो कि हम लोग इंपॉर्टेंट देखें कि किसी भी कैचमेंट सिस्टम में या फिर किसी भी रिजर्वायर में पानी का इनपुट और आउटपुट में होने के कारण उसके रिजर्वायर में क्या चेंजेस आ रहा है वो भी हम लोग स्टडी करते हैं। हाइड्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है ये सारे एप्लीकेशन देखा। वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज मतलब पानी में पानी के टर्म्स में वाटर की क्या स्थिति है वो सारी चीज़ें भी आपने देखा। इंडिया वर्ल्ड के हिसाब से क्या स्टैंड कर रहा है वो भी आपको पता है। इंडिया का एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन आपने यहाँ पे देखा 119.4 सेंटीमीटर। ये फिगर आपको याद रखना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन में डेटा आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग हाइड्रोलॉजिक साइकिल स्टार्ट करेंगे। ये भी काफ़ी एलिमेंट्री है, यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब आप लोग बेसिकली एलिमेंट्री स्कूल में सब पढ़ते आए हैं। अलग अलग इसके बारे में डिटेल में हम लोग फर्दर क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू।